थार अच्छी तो मॉडिफिकेशन के बाद ही लगती है, लेकिन जब ये थार गैंगस्टर एडिशन बनती है ना बाय द विग ऑटो, उसकी कुछ बात और रहती है। तो प्राउडली आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट करते हैं महिंद्रा थार विद द गैंगस्टर एडिशन। दोस्तों, फ्रंट प्रोफाइल में कुछ तो अलग लगा रहेगा आपको, कुछ तो अलग जो स्टैंड आउट इसका बढ़ाता है वो है ओवरलैंड का जो बम्पर रिप्लेस कर दिया है। वो रेगुलर जो अपना महिंद्रा का बम्पर लग के ही आता था, लेकिन अगर मुझे स्टैंड आउट चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ ऑफ द कार चाहिए, तो ये बम्पर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन ये बम्पर के बाद कुछ बात कुछ और रहती है दोस्तों। फोक लैम्प्स भी इंस्टॉल इसी के साथ आते हैं, लेकिन हमने हाई पावर LEDs लगाई है। हेडलाइट रिप्लेस की है रेंगलर स्टाइल की, विद DRL के साथ आती है, लो बीम, हाई बीम और इंडिकेटर के साथ, एंड फ्रंट ग्रिल हमने रिप्लेस की है। ओवर मॉडिफिकेशन तो मैं करता ही नहीं हूँ, फ्रंट प्रोफाइल स्टैंड आउट आप लोगों के सामने है। हेडलाइट्स में इंडिकेटर भी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं हेडलाइट्स में एंड द ओवरलैंड के जो बम्पर में आता है दोस्तों। लेकिन ये बम्पर ने है ना दिल जीत लिया है, मज़ा आ गया ये बम्पर इंस्टॉल करने के बाद। लुक ऑफ द कार आप लोगों के सामने, पूरी कार में हमने विकुल की फिल्म इंस्टॉल की हुई है। इंटीरियर, जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द इंटीरियर वर्क, द रस्टिको कलर हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। डोर लेदर पैनलिंग आप चेकआउट कर सकते हैं, एम्बियन लाइटिंग हमने ये कार में इंस्टॉल की है। लेकिन जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द सीट कवर, सुप्रीमो एडिशन के हमने सीट कवर इंस्टॉल किए हुए हैं विद द ब्लैक पाइपिंग के साथ, और जो बैक पोर्शन है वो ब्लैक कलर का है। फ्रंट सीट की तो फिटमेंट आप देख ही चुके हैं, रियर सीट की भी अब फिटमेंट, एक एक हेडरेस्ट की फिटमेंट आप चेकआउट कर सकते हैं, जो रस्टिको कलर के हमने सीट कवर इंस्टॉल किए हैं। रियर में भी जो आर्मरेस्ट हमने इंस्टॉल किया है विद चार्जिंग पॉइंट के साथ है। अगर फ्रंट में हमने आर्मरेस्ट लगाया है तो रियर में भी हम आर्मरेस्ट इंस्टॉल करेंगे। एक एक हमारी आर्मरेस्ट की भी आप फिटमेंट है ना चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये कलर ब्लैक कलर की कार में है ना, हर कलर मैं बोलूंगा अच्छा लगता है, लेकिन ये रस्टिको कलर जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बोल सकता हूँ कैमरा ये चीज़ का जस्टिफाई नहीं कर सकता है, जो एटमॉस्फियर बना रहा है। सेंटर आर्मरेस्ट भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द लेदर रैपिंग वर्क, हमने AC के जो वेंट्स हैं एल्यूमिनेटेड मर्सिडीज स्टाइल के हमने इंस्टॉल किए हैं, कलर चेंजिंग ऑप्शन के साथ आते हैं, और पूरी कार के अंदर एम्बियन लाइटिंग हमने इंस्टॉल की है। फुल कार के अंदर फ्लोरिंग डोर्स हमने डैम्पिंग की हुई है, एंड चारों भी हमने पाइनियर के कंपोनेंट इंस्टॉल किए हुए हैं। लेकिन इंटीरियर कुछ नेक्स्ट लेवल। एक्सटीरियर में भी ये कार में मुझे कोई ओवर मॉडिफिकेशन नहीं करनी थी, मैंने एलॉयज वगैरह भी चेंज नहीं किए, लेकिन फ्रंट मुझे एक धमाकेदार बनाना था, जो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। थार कार ही शौकिया लोगों के लिए है, और ये थार मॉडिफिकेशन मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में बोला था, थार अच्छी मॉडिफिकेशन के बाद ही लगती है। थार फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका कहां से? सिसिली। गजानंद सर, ये तीनों जो है ये तीसरी बार आ रहे हैं। सेल्टोस गेज़ा मॉडल पूरी बनाई है, क्रेटा बनाई है, थार। लेकिन थार का रिव्यू लेने से पहले मैं अपने कस्टमर्स को पूछना चाहता हूं, एक साल हो गया है किया सेल्टोस, इन्हीं का वीडियो है पूरा गेज़ा मॉडल का, सेल्टोस फ्रॉम कर्नाटका का। सर एक साल हो गया है, पूरा हमने GT लाइन बनाए हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस, एक साल का सफर कैसा रहा, और GT लाइन बनाना वर्थ था कि नहीं आपको? वर्थ था, और अच्छा बनाया आप। एक बरस हुआ भी कुछ कंप्लेंट नहीं है, इसलिए हम बहुत खुश है। इसलिए हम ये बार सोचे थार आए लाए सीधा तनूर भाई के पास ही जाएंगे, उधर ही बनाएंगे, बल्कि सीधा इधर ही आया हम। थैंक यू सर, थैंक यू, ये होता है भरोसा। गजानंद सर से एक रिव्यू लेना चाहेंगे, ब्लैक थार द गैंगस्टर एडिशन इनकी कार हमने अपग्रेड की है। सर कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आना वर्थ था कि नहीं? और इतना बोलता हूँ 6 घंटे में पूरी कार थार बना के दी है। बोलना आसान है दोस्तों, लेकिन जो टीम वर्क लगता है ना उसके पीछे आज कस्टमर बोलेंगे। हम लोग 600 किलोमीटर से आए हैं, इधर आने के बाद फिर भी 6 घंटे में उन्होंने बना के दिया, ये होने वाला नहीं था, फिर भी इन लोगों ने, तनवीर भाई ने बना के दिया। और तनवीर भाई का ऐसा है कि
कुछ भी गारंटी के साथ उनके पास आके बना के ले सकते हैं। और उतना हम लोग क्या करते हैं, नया गाड़ी लेने के बाद फर्स्ट सर्विस को शोरूम के पास जाते हैं, मगर हम लोग क्या रहे भी फर्स्ट सर्विस को इनके पास आना पड़ रहा है, वो आदत ही पड़ गई है, क्योंकि मॉडिफाई इनके इनके हिसाब से कोई नहीं बना सकता है वैसा है। इसके लिए हम लोग इधर आ जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, क्या बोलना चाहेंगे? तनवीर भाई, नाम तनवीर भाई है, पर उसमें बात करने का नहीं है, जवाब नहीं है। और इनका कारीगर भी कैसा है, उनमें बॉस कौन वो को मालूम नहीं पड़ रहा हमारे, सब लोग अच्छा, सब पूरा फ्रेंड सर्कल जैसा है, ऐसा कभी भी वर्कर्स कभी भी नहीं देखे भी नहीं। अभी और क्या है, काम में जिनिन काम है क्या भी उसमें ये गलत ऐसा काम कभी भी नहीं है। हम एक साल से दो तीन गाड़ी हुआ, ये गाड़ी भी के लिए आए, दो दिन का विचार करके आए है, लेकिन छह घंटे में करके दे। ये जिनका पास काम भी कैसा हुआ बोले तो देखे तो इतना खुश हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि थार गाड़ी में मैं नहीं, मैं पूरी थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा मेरे टीम को, क्योंकि वो भी जो इतनी दिल लगा के काम करते हैं ना, तभी ये आउटपुट आता है सर जी। क्योंकि मैं नहीं, मेरी पूरी टीम पैशनेट है, ऑल चाहे क्रेटा हो, एटिका हो या थार गाड़ी, अगर मैं जो भी प्रोजेक्ट लूंगा मैं अल्टीमेट काम करके ही दूंगा। इतनी दूर से आना, एक एक किलोमीटर वर्थ होना चाहिए, उधर जाके बोलने चाहिए आपकी हम गए, ये चीज बना के आए हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और एक बात, तुम्हारे टीम का बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन वो भी सोचता हूँ मैं, आप तीन बार आके उधर सब देखे गए, सबको बात करके गए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, टीम से बहुत अच्छा लगा, आप तीन बार आए उधर। इसी के लिए तो बोलता हूँ पर्सनल टच, मतलब अगर खुद खड़े होके, ऐसा नहीं मेरी टीम परफेक्ट करेगी, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, कुछ कमी जास्ती तो नहीं हो गया है, कुछ और बेटर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब करने रहते तो कुछ और इनोवेटिव आइडिया सर ये भी कर ले। लेकिन हाँ, मैं एक भी अनवांटेड चीजें सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को भी, चाहे मेरी थार हो, एटिका हो, क्रेटा या सेल्टोस, कितनी तो आइटम मैंने कैंसिल कराई सर, कैंसिल करे, हमारा विचार अलग था, जरूरत नहीं इतना बस बना हो गया। आप ही बोले, दूसरे तो वो लगाओ ये लगाओ बोल को ये करते थे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अब वापिस छह महीने एक साल के बाद फोन आए ना, तो वाव के लिए कंप्लेंट के लिए कुछ नहीं आना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से लगा है दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थोड़े कमेंट कम आ रहे हैं, हमारी मेहनत आप लोगों के सामने है, किस तरीके से लगती है जरूर मुझे बताना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।